कल हम लोग क्या सीखे थे, कौन सा मेथड से बनाना सीखे थे? प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग कहते क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग जानेंगे कि किसी समीकरण को, दिए गए दो समीकरण को हम कैसे उसमें x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो एक लुप्तीकरण विधि जिसको कहते हैं हम लोग विलोपन विधि, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विलोपन या लुप्त करना मतलब बिला देना। नहीं तो हम लोग को या तो x को बिला देना है या y को बिला देना है, मतलब गैप कर देना है। तो कैसे गैप कर सकते हैं, तो वो मेथड आज हम लोग जानेंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो मेरे पास दो इक्वेशन दिया गया है और इसको विलोपन विधि से हल करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चर का उपयोग किया गया है x और y, जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो मेरे पास समीकरण है 3x + 4y = 10, यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, जबकि इक्वेशन सेकंड मेरा 2x - 2y = 4 है, यह मेरा इक्वेशन सेकंड है। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। यहाँ देख रहे हैं हम 4y है, यहाँ देख रहे 2y है, इसके पास भी 4y होता तो दोनों कैंसिल हो जाता, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, दो इक्वेशन को देखेंगे, दोनों इक्वेशन के साइन को देखते हैं, अगर सेम साइन होगा, याद रखना सेम साइन होगा हमेशा इक्वेशन घटेगा, साइन डिफरेंस होगा क्या होगा, इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन क्या है, डिफरेंट है, जब डिफरेंट साइन है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इसको भी हम 4 गुना पूरा देंगे, ये भी 4y अगर हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो सकता है। नहीं तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या चीज, समीकरण किसमें, दो में, समीकरण दो में दो से गुना करने पर, समीकरण दो में दो से गुना करने पर, दो से गुना करने पर, या ऐसे भी लिख सकते थे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो मल्टीप्लाई टू, मतलब समीकरण एक में कुछ नहीं करना है, कुछ इससे गुना नहीं करना, समीकरण दो में दो से गुना करेंगे तो दो नहीं 4 पड़ जाएगा। तो समीकरण दो में दो से गुना कर समीकरण एक के साथ जोड़ने पर, एक के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण एक मेरा है 3x + 4y, तो ये मेरा LHS पक्ष है, जबकि यह मेरा RHS पक्ष है। तो LHS के साथ ऐड होगा, RHS के साथ ऐड होगा, सेकेंड में दो से गुना करे थे, दो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, फिर दो से माइनस दुनी 4y बराबर। अब देखो पहले हम लिखे थे क्या, समीकरण एक का बात लिखे थे LHS, अब समीकरण दो का RHS क्या है मेरा 10 प्लस, इसमें दो से गुना करेंगे दो में तो दुनी 4, तो यहां से क्या हो गया 3x + 4y + 4x - 4y = 14। अब देखो ये से तो ये कैंसिल, तो 4 × 3 = 7x = 14, दिस इंप्लाइज x = 14/7 और 7 × 14। तो हमें x का मान ज्ञात हो चुका है कि x बराबर क्या आया है, 2 आया है। जैसे ही x का मान 2 आ गया तो y निकालना बहुत आसान, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे x का मान, तो हमें y निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण दो में, दो में रखो एक में रखो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण दो में x बराबर 2 रखने पर, देखो रखने पर क्या आता है, मेरा समीकरण दो क्या है 2x, तो 2 × x क्या लिखाएगा 2 - 2y = 2, तो 2 × 4 - 2y = 2, दिस इंप्लाइज -2y = 2 + 4, इधर क्या हो गया -4, दिस इंप्लाइज -2y = -2। 4 जा रहा है दो में से, इसके सामने साइन माइनस का, हमेशा याद रखना जो बड़ा वैल्यू उसके सामने का जो साइन होता है वही उतरता है, तो निगेटिव में लिखाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज y = 2/2, 2 × 2, इसलिए y बराबर क्या निकला 1। अतः x = 2 और
वाई बराबर क्या होगा, वन होगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब आंसर हम चेक करेंगे सही बना या गलत। तो कैसे जांच करें, कोई इक्वेशन में हम लोग एक्स वाई का मान पुट करके देखेंगे, एलएचएस आरजेएस के बराबर देगा तो सही है। जैसे मेरा इक्वेशन है क्या, 3x plus 4y बराबर 10 देता है कि नहीं, तो 3 into x के बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 2 plus 4 की जगह 4 into y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 बराबर है 10 के, पुटता है कि नहीं, 3 दुनी 6 plus 4 एकम 4 बराबर 10, 6 4 10 बराबर 10, यानी कि हम लोग क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं। तो हम ऐसे आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो जानेंगे इसके बाद कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको कहते हैं ब्रज गुणन विधि, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं ब्रज गुणन विधि। तो इस विधि में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। वो कैसे ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान देखिए, तो एक ट्रिक बताए थे तुम लोगों को क्या चीज, कि हम लोग क्या करते थे, बोले थे कि बी सी ए बता, या बी सी ए बेवकूफ, मतलब कोई बी सी ए करके बेवकूफ बन गया, और दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें एक्स वाई का उपयोग किया गया है, एक कांस्टेंट ए ले वन लेके चलते हैं, तो हम कैसे याद रखते हैं, तो बी सी ए करके बना बेवकूफ इंसान, फर्स्ट इंसान बेवकूफ बना, इसलिए सब में वन वन लगाते चले गए, दूसरा इंसान भी उसको पकड़ लिया और उसको भी बना दिया बी सी ए, बी सी ए बेवकूफ बेकार बेचारा जो बोलो, ये दूसरा इंसान था, टू 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 लगा दिए। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे याद रखे तो बहुत आसान हो जाता है, ऐसे थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखो कैसे याद रख सकते हैं, तो एक्स बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन निगेटिव रखेंगे, ठीक है, तो क्या देगा बी वन सी टू माइनस, देखो यहाँ फॉर्मूला बना ना, बी वन यहाँ पर बी वन सी टू होगा ना, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन आया ना बराबर। अब रखेंगे y को डिवाइड में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, साइन निगेटिव ही रखेंगे, क्या बना फॉर्मूला, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन है ना, सी टू ए वन गुना में इधर उधर लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन रख के, तो क्या आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, साइन निगेटिव रखेंगे। लेकिन कुछ सावधानियां हमें बरतनी है, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखनी है, अगर यदि समीकरण का निकाय का रूप कैसा होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो के रूप का होगा, तब हम इसका उपयोग करेंगे। अदरवाइज एक कंडीशन हम बता रहे हैं क्या होगा, यदि समीकरण, ध्यान से रखना ये बात, तो गलती हो सकता है क्वेश्चन बनाने समय, निकाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, देखिए प्लस बराबर के उस पर अगर सी वन हो, बराबर के उस पर सी वन हो, तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू के रूप में हो, तो क्या, ध्यान में रखना है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला सेम रहेगा तो संबंध कैसा होगा उसको ध्यान में रखना, क्या होगा x बट्टा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बराबर y बट्टा ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू बराबर, बस यहां लगेगा माइनस वन, याद रखना हमेशा बराबर के उस पार है, देखो ध्यान से ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग, सी वन बराबर के उस पार है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस सी वन हो जाएगा, बराबर उस पर सी टू प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे क्या यहाँ लगा देंगे हम लोग माइनस, यहाँ वन की जगह क्या कर देंगे माइनस, वही रहेगा फॉर्मूला, बस लगेगा माइनस। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे इससे रिलेटेड और बता रहे हैं आगे कैसे करें। हम लोगों का ए टू बी वन क्या था, ए टू बी वन, यहाँ भी क्या होगा ए टू बी वन होगा ना, ठीक है, और यहाँ क्या है B2 है ना, यहाँ भी होगा क्या चीज B2, और यहाँ है A1, यहाँ भी A1, ठीक है, और कहीं पे नहीं, ठीक नोट करेगा। क्या है क्वेश्चन, हम लोगों को यह क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे बनाना है किस विधि से, ब्रज गुणन विधि से। तो समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है,
समीकरण निकाय हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर 0, यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। जबकि इक्वेशन सेकेंड मेरा है 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0, यह इक्वेशन मेरा क्या है, सेकेंड है। ठीक है, इस इक्वेशन का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां से देखो हम लोग किसका उपयोग करने जा रहे हैं, ब्रज गुणन विधि से इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या चीज, वज्र गुणन विधि से हमें क्या ज्ञात होगा, x y और एक कांस्टेंट 1 लेके चलते हैं। क्या बताते हैं हम लोग, बी सी ए बता ना। तो देखो इसका कंपेयर जो हम लोग करेंगे किससे करेंगे, b1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, b2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 के जगह पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 देख रहे हैं। और फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, यहां रखे थे x y और 1, क्या लिखे थे, बी सी ए बुर्वक या बता, बी सी ए नहीं तो 1 1 1 1 2 2 2 2। इसी प्रकार यहां वैल्यू हम रखेंगे क्या चीज, b1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। c1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, -35 है। ठीक है, a1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। फिर b1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है। नहीं, अब देखो दूसरा लाइन में आते हैं तो यहां पर b2 का वैल्यू क्या है, 4 है। c2 का वैल्यू क्या है, -65 है। ठीक है, अब उसके बाद किसका बारी आता है, a2 का बारी, तो a2 का वैल्यू क्या है, 3 है। और b2 की बारी आती है, वह कितना है, b2 4 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साइन निगेटिव का रखते हुए इसको क्या करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक, बनाते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे हम लोग, क्या चीज, x बट्टा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -65। देखो फॉर्मूला माइनस देता है और माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 35 चौका 5 चौका 20 के 0 हाथ में रहा 2 8 4 12 2 14 140 बराबर क्या करेंगे, माइनस वाई बट्टा माइनस 35 तिहाई 5 तिहाई 15 के 5 तिहाई 9 एक 10 105। फॉर्मूला माइनस देता है और माइनस माइनस क्या हो जाता है, फिर प्लस 65 दूना 130 बराबर 1 बट्टा 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3। तो क्या रिजल्ट आएगा हम लोगों के पास, एक्स बट्टा 140 में से 65 जाएगा तो ये 5, ये कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया तो 7, तो 75 बराबर वाई बट्टा 105, 130 में जाएगा तो कितना देगा 25 और बराबर यहां से 1 बट्टा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन करते हैं। चलो तो देखते हैं, x बट्टा 75 इक्वल्स टू एक बार रखेंगे कांस्टेंट के साथ 1/5 के साथ, या एक बार रख सकते हैं y बट्टा 25 और उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, क्या होगा 1/5 के साथ कंपेयर करेंगे। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x बराबर 75, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 5x और 75 एकम 75, या y को 5 से गुणा किए तो 5y और बराबर 25 एकम 25। दिस इंप्लाइज x बराबर 75/5, 15 × 75 या y बराबर 25/5 और 25, इसलिए x बराबर 15 और y बराबर कितना आया 5। यही दो मेरा मान निकल के आया, चेक करेंगे या सही बना है या गलत। तो क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, मान लेते इसी में पुट करते हैं, तो 2 × x के जगह पर मेरा क्या वैल्यू आया था 15, तो 15 माइनस सॉरी प्लस y के जगह पर कितना है 5 माइनस 35, देखते हैं 0 पुरता है या नहीं। 15 दुनी 30 प्लस 5 माइनस 35 बराबर है 0 के, 30 × 5 = 35, 35 − 35 = 0 के, 35 = 0, 0 = 0 मतलब हम लोग बनाए हैं सही।
इस प्रकार हम चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के बाद सही बना है या गलत। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।